हमें नहीं पता कि वो वकील है, हमें तो गुंडे ही लगते हैं क्योंकि बट ये मतलब हम थाने में गए तो उन्होंने, नरेंद्र सिंह ने हमारी रिपोर्ट नहीं ली है, हमें चार दिन तक चक्कर कटाया जिनके हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने खुद अगुलाया कि उन्होंने खुद पैसों की मांग की। मैम बच्चे पटाखे जला रहे थे, चिंगारी इनके घर में चली गई थी। अच्छा, तो उसको रोकने के लिए अगर मैं ये लड़ाई झगड़ा करने लगे तो इन्होंने उसमें मेरे साथ, उसमें भी मेरे साथ मारा पीटी की थी। मैंने कंप्लेन की 100 नंबर पे पुलिस में, मैम पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज जिस खबर की हम बात करने वाले हैं उस खबर को सुनकर आप भी सोचेंगे कि वाकई देश की राजधानी दिल्ली में हो क्या रहा है, कब तक एक परिवार इस तरीके से अत्याचार सहता रहेगा, क्या अपने ही घर के अंदर रहना जुर्म है, कब तक किसी महिला पर इतने अत्याचार होते रहेंगे। ये पूरी जो दास्तां है, ये जो पूरी खबर है, मैं खुद नहीं बताऊंगी, उस परिवार से मिलवाऊंगी, वो खुद आपको सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है उनके साथ और कब से उनको परेशान किया जा रहा है, और आखिर वो लोग कौन हैं जो महिला के साथ इस तरीके से बर्बरता करने पर मजबूर हो गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ वो परिवार मौजूद है। क्या नाम है मैम आपका? सर मैम मेरा नाम शिखा जोशिया है। शिखा जोशिया। सर आपका क्या नाम है? मेरा श्री भगवान जोशिया है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मैम लगभग 12 साल। 12 साल है। और ये कौन सी जगह है? ये मंगोल पी ब्लॉक मंगोलपुरी है मैम। ये मंगोलपुरी। अच्छा, मंगोलपुरी में आप लोग 12 साल से रह रहे हैं जी। ये बताइए कौन है जो आपको परेशान कर रहा है और आपके साथ हो क्या रहा है? मैम पड़ोसी है ये, पीछे पड़ोसी है सर, ये हमें 2 साल से परेशान कर रहे हैं। मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा, हमला करना, मुझे धमकिया देना, मारपीट, ये मेरे साथ आज नहीं मैम कई सालों से हो रहा है मेरे साथ ये इंसिडेंट। तो मैम इस बार कुछ ज़्यादा मतलब जानलेवा हमला हो चुका है मेरे पे, जान से मारने की कोशिश की गई मुझे। मैंने कंप्लेन की 100 नंबर पे पुलिस में, मैम पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। मैंने ACP DCP के पास भी कंप्लेन लगाई है, वहाँ से भी मेरे को कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने बोला कि ये लोग आपको 2 साल से परेशान कर रहे हैं, आपके परिवार को, कारण क्या है, क्यों परेशान किया जा रहा है आपको? मैम एक्चुअली पड़ोसियों से ना दिवाली वाले टाइम थोड़ा बच्चों पे कहा सुनी हुई थी, उस विवाद को इन्होंने इतना लंबा खींच दिया है कि अब तक लड़ाई झगड़ा करते आ रहे हैं। क्या हुआ था दिवाली वाले दिन? मैम बच्चे पटाखे जला रहे थे, चिंगारी इनके घर में चली गई थी। अच्छा, अच्छा, तो उसको रोकने के लिए अगर मैं ये लड़ाई झगड़ा करने लगे तो इन्होंने उसमें भी मेरे साथ मारा पीटी की थी। उस दिन भी आपके साथ लड़ाई जी? अच्छा, उसके बाद आपने पुलिस कंप्लेंट करी सर? हाँ मैम, हमने पुलिस कंप्लेंट करी थी। हाँ। जिन्होंने मेरे वाइफ के साथ छेड़खानी करी थी और अदबर भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज करी मेरी वाइफ के साथ, प्लस उसकी FIR की गई, इनके पर FIR दर्ज है जिसका केस अपने आप को वकील बताते हैं। ये आए दिन हमें, हमारे घर पे पथराव कर रहे हैं, पिछले 2 सालों से परेशान कर रहे हैं हमारे से, हमारा केस को दबाने के लिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, अभी आपने बोला कि आपके घर के सामने वाले लोग आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं और आपसे उनकी काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, अभी आप कह रहे हैं कि एक वकील है जो अपने आप को वकील होने का दावा करता है उसकी बात करें, तो 2 लोग आप लोगों को परेशान कर रहे हैं या एक ही परिवार है ये? मैम एक्चुअली ऐसा है कि मैं बताता हूँ कि जिनसे हमारा कोर्ट केस चल रहा है वो वो इनके अपने आप को वकील बताते हैं कि ये उनका केस लड़ रहे हैं। अच्छा। तो जो केस लड़ रहे हैं तो हमारे पास ऐसे पुख्ता सबूत थे जिनकी वजह से इनको जेल होनी थी। हाँ। मुजरिमों को जेल होनी थी, तो हमसे सबूत छीनने के लिए इन वकीलों ने अपना गलत फ़ायदा उठाया। हमें नहीं पता ये वकील हैं क्या हैं, गुंडे टाइप के वकील हैं ये, जो हमारे पे आए दिन हमला करते हैं। फुटेज छीनने के चक्कर में इन्होंने हमारे साथ कोर्ट में भी लड़ाई झगड़ा किया मेरी वाइफ के साथ। अच्छा। हाँ जी। तो वहाँ पर आपके साथ मारपीट की गई? जी सर मैम, मेरे हाँ। साथ एविडेंस छीनने के चक्कर में मारपीट पूरे परिवार के साथ ही गई मैम। मैं, मेरे फादर, मेरे हस्बैंड तीनों थे कोर्ट में, हमारे साथ तीनों के साथ मारपिटाई की गई। तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं मैम, मैंने चौकी इंचार्ज नीचे, हाँ। मैं जज के पास भी पेश हुई थी, उन्होंने कहा कि कंप्लेन लिखवा दो नीचे, कंप्लेन भी हुई मैम, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद ये कब की बात बता रही है, कोर्ट का कितने साल पहले का मैटर है? मैम ये 2021 की बात है। 2021 की बात है।
और अभी आपने आप बता रहे थे कि 22 तारीख को यानी कि इसी 22 तारीख को जो गई है अभी उस दिन आपके साथ वापस से मारपीट हुई है जी। हाँ तो वो किस वजह से हुई थी ये बताइए। मैम वो भी इसी से रिलेटिव है कि मतलब मैं ये कोर्ट केस बंद कर दूँ। मैम यही चीज़ है कि ये केस वापस ले लूँ क्योंकि अब लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, केस चालू होने वाला है मेरा। तो सर मैम ये जानलेवा हमला मेरे लिए इसीलिए हुआ है मेरे ऊपर कि मैं वापस ले लूँ। ये देखिए ये जो पूरी आप बात बता रहे हैं ये पूरी लड़ाई सिर्फ इस बात पे हुई जो आप दिवाली वाला मैटर बता रहे हैं उसी की बात है ये सारी। जी मैम मैम उसी बात से ये उसी दिन से ये चालू होया हुआ है। तो ये उसके बाद अब इन्होंने लड़ाई करी या बीच बीच में भी हमला करते रहे? बीच बीच में भी हमले करते रहे क्योंकि ये मैम ये रिसेंटली अभी इस महीने के अंदर हमारे पे 3 से 4 हमले हो चुके हैं जिनकी CCTV फुटेज है हमारे पास में। प्लस मैम हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है और सारा कुछ एविडेंस है हमारे पास। हमने सारे ACP DCP सब पे कंप्लेंट लगाई है मगर कोई हमारी कोई शिकायत कोई लेके ले नहीं रहा है, कोई उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, प्लस मैडम ये जाति को लेके भी मेरे परिवार को भी टोन कसते हैं। ये बताइए पुलिस को आपने कंप्लेंट करी, आपने बताया कि ACP को भी कर दिया DCP को भी कर दिया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इस केस को कौन देख रहा है अभी जो हुआ है? मैम इस केस को पहले जो हमारा कोर्ट केस चल रहा था वो मदन लाल ASI देख रहे थे। फिर उसके बाद जब दूसरा केस हुआ तो उसके बाद हमारा अभी जो रिसेंटली जो हुआ वो तरुण जी देख रहे थे मगर हमें बताया गया है कि तरुण जी को कोरोना हो गया है तो उस आपका केस अब गिरीश जी देखेंगे। तो गिरीश जी मिले आपसे बात हुई? मैडम हमारे पास अभी गिरीश सर से मेरी कोई बात नहीं हुई, अभी वो हमें नहीं मिले ना उनकी कॉल आई, बस हमें इतना बताया गया है कि गिरीश जी देख रहे हैं बस। अच्छा। थाने में जाने के बाद 12 तारीख को इन्होंने मेरे घर पे पथराव किया जिसमें 100 नंबर पे कॉल करके हम कंप्लेंट लेके राजपारक थाना मंगोलपुरी में गए मगर वहाँ पे नरेंद्र सिंह जी ये जवाब देते हैं कि मैंने कंप्लेंट नहीं लेनी है क्योंकि ये अपने आप को जो वकील बता रहे हैं इस वकील के डर के मारे वो कंप्लेंट नहीं ले रहे हैं। हमें नहीं पता कि वो वकील हैं, हमें तो गुंडे ही लगते हैं क्योंकि बट ये मतलब हम थाने में गए तो उन्होंने नरेंद्र सिंह ने हमारी रिपोर्ट नहीं ली है, हमें 4 दिन तक चक्कर कटाया जिनके हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने खुद अगुलाए कि उन्होंने खुद पैसों की मांग की है। अच्छा ये बताइए अभी आपने जो कंप्लेंट हमें दिखा रहे हैं ये महिला आयोग की और एक DCP की है, बाकी आप और भी बहुत सारी कंप्लेंट है जो पहले लगा चुके हैं, कहाँ कहाँ तक अभी तक कंप्लेंट लगाई? SHO को भी आपने दिखा दिया? मैम हमने SHO को भी कंप्लेंट लगाई है और हमने DCP ऑफिस में कंप्लेंट लगाई है, हमने महिला आयोग में कंप्लेंट। बताइए इन इतनी सारी जगह कंप्लेंट लगा रहे हैं पिछले 2 साल से कहीं से कोई रिवर्ट बैक आया नहीं? नो मैम कोई रिवर्ट बैक नहीं आया मैम, कोई भी मदद नहीं मिली। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी DCP को कंप्लेंट लगा चुके हैं एक बार नहीं ना जाने कितने बार 2 साल से, महिला आयोग को भी कंप्लेंट लगाया था जिसकी रिसीविंग भी है इनके पास, एक महिला के ऊपर काफ़ी लंबे समय से अत्याचार किया जा रहा है। CCTV फुटेज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं CCTV फुटेज में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके हस्बैंड साइड से आपको जाते नजर आ रहे हैं और ये जो लोग हैं बार बार डंडों से किस तरीके से इनके ऊपर वार करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सारे फुटेज देखने के बाद भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सो रही है, हमारा पूरा प्रशासन सोता नजर आ रहा है, परिवार इस हद तक मजबूर हो चुका है कि इनका कहना है कि ये इतने इनके अंदर इतना डर बन गया है कि अब ये चाह रहे हैं कि यहाँ से घर खाली करके चले जाएं और कहीं और घर ले लें। लेकिन सवाल ये है कि कब तक इसी तरीके से अपने ही घर के लोग आसपास के लोगों से डरते रहेंगे? अगर इनका घर ये है तो क्यों ये घर छोड़कर जाएं, क्यों किसी और जगह जाने की जरूरत पड़ रही है? क्या हमारा न्याय प्रशासन इतना कमजोर है कि एक परिवार को नहीं बचा पा रहा जबकि इनके पास सारे सबूत हैं? सर ये बताइए अभी आपने खुद बोला था कि मैं इतना डर गया हूँ कि ये घर मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये क्यों आप बार बार बोल रहे हैं? मैम इसलिए डर गया हूँ क्योंकि ये मेरे पर जानलेवा मेरे परिवार पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। हमने अपनी CCTV फुटेज DCP ACP सबको दिखाई मगर सिर्फ हमें सिर्फ एक आश्वासन दे दिया जाता है मगर उनको वो खुलेआम अभी भी घूम रहे हैं और रिसेंटली 24 तारीख को 22 तारीख को इंसिडेंस होने के बाद भी 24 तारीख को मेरे घर पे फिर दोबारा पथराव किया गया जिसकी उसकी भी फुटेज हमारे पास है और हमने उस 100 नंबर पे भी कॉल किया गया फिर भी पुलिस उनको अरेस्ट करके नहीं लेके गई है। इसलिए मैडम बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, इसलिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ से घर अपना कहीं और शिफ्ट कर लें। आपके बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मैम मेरे 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, एक 6 साल की एक 9 साल का लड़का है। तो अभी आपने पूरा मामला सुना जैसा कि इन्होंने बताया कि 12 साल तो इनको शादी के हो गए और 12 साल से ये लोग इसी घर में रह रहे हैं और इनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, लेकिन सवाल ये है कि सारे सबूत होने के बाद दिल्ली पुलिस क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रही? घर कोई दूर नहीं है, साथ वाला घर है और जिस तरीके से कह रहे हैं एक वकील अपने आप को बताता है व्यक्ति, वो कहता है कि मैं वकील हूँ और इनके ऊपर हमला भी करवा रहा है, उस
बात पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप सोचिए कोर्ट में जाकर भी इनके साथ बदतमीजी की गई, इनके साथ मारपीट किए गए, सब कुछ आपको आपके सामने नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। हम सभी जानते हैं कि मंगोलपुरी में लगातार क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ की पुलिस, यहाँ के प्रशासन सो रही है शायद, या फिर आप कहें कि इन जो अपराधी हैं उनके आगे घुटने टेकती नजर आ रही है। देखिए, इन्होंने एक बात कही थी कि जो वकील हैं, पुलिस ने इनको कहा है कि हम वकील के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। सवाल ये है कि क्यों वकील के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हो सकती, जब सबूत इनके पास है, जब खुद ये बता रहे हैं कि इनके साथ मारपीट की गई है, सारे सीसीटीवी फुटेज है, सारे एविडेंस है, तो क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हम चाहते हैं ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ट्विटर पर इस क्षेत्र के जो डीसीपी हैं, जिनका नाम विजेंद्र है, विजेंद्र यादव उनका नाम है, उनको ज़रूर टैग करें और उनको बताएं कि इस क्षेत्र में जिस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं कि एक परिवार को इस हद तक डराया धमकाया जा रहा है कि अब वो अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। तो जो भी राय है कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।